हेलो फ्रेंड, क्या हाल है? कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नाजिया किचन तड़का में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी, टमाटर की चटनी। थोड़ी तीखी, थोड़ी खट्टी, खाने में बहुत यम्मी लगती है। कभी कभी दिल करता है कि हम कुछ तीखा सा खाएं, चटपटा सा खाएं और फटाफट बना लें और खा लें, तो कुछ तीखा याद आए, खट्टा याद आए और टमाटर की चटनी ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आप फटाफट मेरी रेसिपी ट्राई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी टमाटर की चटनी बनाना। टमाटर की चटनी बनाने के लिए ये मैंने आधा किलो टमाटर को छोटा छोटा काट लिया है। ये एक पाव से कम प्याज है, इसको भी मैंने काट लिया है। और ये 50 ग्राम हरी मिर्च हैं, ये मैंने एक चम्मच नमक लिया है। नमक आप स्वाद अनुसार लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा सब्ज़ी वाला चम्मच है, इससे मैंने 1.5 चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है। तो रिफाइंड जल्दी से गर्म हो जाता है, तो इसमें अब हम प्याज डालेंगे। इसको हल्का गुलाबी होने देंगे। प्याज को आप मीडियम गैस पे पकाएं। प्याज को चला चला कर भूनें, नहीं तो नीचे से जल जाएगी। प्याज को 2 से 3 मिनट हो गए हैं, प्याज हमारा थोड़ा पक गया है। अब इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। ये रेसिपी हमारी झटपट से बन जाती है। मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं, चलाएंगे इसको 2 मिनट तक चलाते रहेंगे। दो मिनट के बाद टमाटरों ने ये पानी छोड़ दिया है, अब हम इस पानी को सुखाएंगे। ये इसको फुल कर देंगे और फुल आंच पे इस पानी को सूखने देंगे। टमाटरों को पकते पकते 5 से 7 मिनट हो गए हैं, पानी इनका थोड़ा सूख गया है। अब इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक के साथ ही हरी मिर्च चलाएंगे। और इसको अब हरी मिर्च के और नमक के साथ में पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक। टमाटरों का पानी सूख गया है, इस साइटों में से तेल आने लगा है। अब इसमें थोड़ा हरा धनिया डालेंगे। और इसको ऊपर अच्छे से तेल आने देंगे। तो रेडी है हमारी झटपट बनने वाली मज़ेदार सी टमाटर की चटनी। तो आप इसको एंजॉय करें। और इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप स्टोर करके रखें, ये 2 से 3 दिन तक चल जाएगी। इसको आप मसूर की दाल के साथ खाएं, या फिर चावल के साथ खाएं, या फिर खाली चपाती के साथ खाएं, ये बहुत अच्छी लगती है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए बाय बाय, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।